Hi, good morning, friends. This is day 3 in Oslo, Norway, and what a fantastic time I'm having in this beautiful city. Architecture, city, बहुत ही कमाल का है. लेकिन एक बात है कि ये जो सिटी है काफ़ी एक्सपेंसिव है, काफ़ी महंगी है हर लिहाज से, चाहे वो खाने में हो, ग्रॉसरी हो. वो शायद खर्च हमें महंगी इसलिए लगती है कि इंडियन करेंसी की वैल्यू यहाँ पे बहुत कम हो जाती है. आप ऑलमोस्ट मान लीजिए कि हमारे 100 रुपये यहाँ पे 10 रुपये हो जाते हैं. नाउ लुक एट दिस बार्बर शॉप. यहाँ पे अगर आप अपने हेयर को कलर कराएंगे तो इनके हिसाब से 990 रुपीज़ है, लेकिन अगर इंडियन रुपीज़ में आप देखेंगे तो दिस विल कॉस्ट अराउंड 10,000 रुपीज़. यू कैन मल्टीप्लाई बहुत ईजिली, आप 100 रुपीज़ का मल्टीप्लाई करके देखेंगे. अगर आप हल्का देखो, नाई की दुकान पर भी क्या लिखा हुआ है कि लीन कट इज 10 मिनट्स, मतलब अगर आप कटिंग लेते हैं 10 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा और 400 क्रोनास लगेंगे. और 400 क्रोना को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कि 4,000 रुपीज़, मतलब आपकी जो हेयर कट होगा वो 4,000 रुपीज़ का होगा. सो जब शहर इस लिहाज से महंगा है कि खाना महंगा है और ये जो ग्रोसरी आइटम भी बहुत महंगी है, हेयर कटिंग वगैरह बहुत एक्सपेंसिव है. सो व्हाट इज़ दी फर्स्ट रिक्वायरमेंट वाइल कमिंग टू दिस सिटी इज़ दी एकोमोडेशन. तो एकोमोडेशन आपको चाहिए तो आप एक ऐसी जगह रुकना चाहेंगे जहाँ पे सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन, सारी टूरिस्ट प्लेसेस आपके पास में हों. और अगर ऐसी जगह होगी और कोई अच्छा होटल होगा तो नेचुरली महंगा भी होगा. हमने हॉस्टलों में जो होटल बुक किया वो हमने मैं कह सकता हूँ कि हमने समझदारी ही करी कि इसकी लोकेशन बहुत ही अच्छी है. जितने भी मेजर इवन जो ओस्लो ओपेरा हाउस है हमारे वॉकिंग डिस्टेंस पे है, मतलब 10 मिनट वॉक एंड वी आर एट दी ओपेरा हाउस. सो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने कहाँ एकोमोडेशन किया, हाउ वी हैव बुक्ड, और अगर आप चाहें तो आप भी किस तरह से बुक कर सकते हैं. यहाँ पे जो होटल्स महंगे तो हैं ही और एमेनिटीज़ हैं, लेकिन जो एक चीज़ और है कि जो रूम साइजेस हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो थोड़े से छोटे हैं. सो ये एक चीज़ है कि अगर आप पैसे भी ज़्यादा दे रहे हैं और यहाँ पे आपको रूम का साइज़ भी कम मिलता है. सो वी हैव बुक बिजोरविका अपार्टमेंट. तो बिजोरविका इज़ दिस प्लेस, बिजोरविका इस जगह को कहते हैं. तो यहाँ पर अपार्टमेंट है और अपार्टमेंट जो है वो बिल्कुल प्योरली सेल्फ सफिशिएंट है. उसमें आपके पास एक ड्राइंग रूम है, सोफ़ा है, टीवी है, आपके पास एक बेडरूम है, बेडरूम में आपका कबर्ड है, बॉल्कनी है, वॉशरूम है और किचन है. किचन के अंदर आपके पास ओवन से लेकर चाय बनाने से लेकर सारे किचन के जितने भी आइटम्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं वो सभी कुछ है. चक्कू से लेकर आपको चाय बनाने का सामान तक, और इसके साथ ही आपके पास एक फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है. तो ये जो सारी चीज़ें हैं, मतलब अगर आप जैसे बीइंग अ वेजिटेरियन, मेरे लिए एक हमेशा कंसर्न रहता है कि भाई एक वेजिटेरियन खाना मिल जाए, खासकर आप ऐसी जगह पे जब बहुत लंबे समय के लिए जाते हैं, जो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अब यहाँ पे 10-12 दिन स्पेंड करने हैं तो अब मुझे वेज मील खाना है बाहर. जैसे कल हमने एक बर्गर खाया डेट कॉस्टेड अराउंड 150 क्रोनास टू अस. 150 क्रोना इज़ अराउंड 1400 रुपीज़, मतलब 1400 रुपये का एक बर्गर. तो मैं फॉर्चुनेटली अपने साथ बहुत सारे पैक्ड मील्स लेकर आया था, जो जैसे राजमा चावल, छोले चावल, इस तरह के जो हल्दी आराम और MDR की जो पैक्स आते हैं वो मैं लेकर आया हूँ, तो हमारा खाने का काम चल जाता है. अगर मैं अपने होटल में रुकता तो ये सब चीज़ें यहाँ पे इतनी इजीली नहीं बना पाता. वाइल अभी जैसे हम यहाँ पे रुके हैं तो बहुत ही हम लोग कम्फर्टेबली आराम से रुक रहे हैं और आराम से हमारा खाना पीने का सारा कार्यक्रम हो जाता है. दूसरी बात स्पेस है कि हमें बहुत ज़्यादा स्पेस मिला है, लेकिन बिजोरविका अपार्टमेंट में एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि
जब पहले दिन आए थे तो हमारा मन इतना ख़राब हो गया था बिजौरवी का अपार्टमेंट का कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है और मतलब कभी भी नहीं बुक कराना चाहिए, चाहे कुछ भी हो एक होटल ही लेना चाहिए। लेकिन जब हमने एक दिन स्पेंड किया एक यहाँ पे सब चीज़ों को समझा तब पता लगा कि यार हमने कितना इंटेलिजेंट डिसीजन लिया है, बट इट्स सच अ गुड थिंग विच वी हैव डन। सो हुआ क्या था कि हम जब एयरपोर्ट पे उतरे उसके बाद हमारे पास नेचुरली यहाँ पे कैब्स बहुत महंगी हैं, अगर आपको कैब से ड्रॉप करना है अपने होटल पे दैट विल कॉस्ट अराउंड 10-12,000 इंडियन रुपीज़ में, यहाँ के 1,000 कोरोना लगेंगे। और हमें इजी ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दिया कि हमें सजेस्ट किया वहाँ पे लोगों ने कि आप मेट्रो पकड़िए, विद इन 20 मिनट्स यू विल बी एट दी सेंटर। अगर आप एक नॉर्मल ट्रेन लेंगे तो वो आपको 2,000 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ कॉस्ट करेगी, और एक अगर मतलब जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 2,000 रुपीज़ की है और जो नॉर्मल ट्रेन है वो 1,000 रुपीज़ कॉस्ट करती है। ऑलमोस्ट प्राइसिंग आर सेम, मतलब उसमें तो जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो कॉस्ट करेगी अराउंड 2,000 और जो नॉर्मल जो ट्रेन है यहाँ की वो भी बिल्कुल बहुत बढ़िया है वो अराउंड 1,000। प्राइस में काफ़ी फ़र्क था लेकिन टाइम में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 10-12 मिनट का ही फ़र्क है, ये हमें बाद में पता लगा। सो एनीवेज हमने जो अपनी टिकट बुक करी हम लोग आ गए ओस्लो सिटी सेंटर और किसी ने हमें बोला कि आप सी साइड की तरफ निकल जाइए, आपका अपार्टमेंट वहीं पर ही है। हम अपार्टमेंट पे पहुँचे, मतलब लोकेट करने की कोशिश की, हमारा एक घंटा वेस्ट हो गया, सारा लगेज हमारे पास था हम लोकेट नहीं कर पाए। बहुत देर के बाद हम दूसरी अपोजिट साइड गए ट्रैवल कर, सोचिए हमारे पास पूरा लगेज है 25 किलो का हमने एक लगेज उठाया हुआ है और उसके बाद हम लोग अपोजिट तरफ गए और तब हमको मिला बजौर का अपार्टमेंट। लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद पता लगा कि वहाँ से तो सिर्फ आपको की मिलनी है और कीज लेने के बाद आपको अपने अपार्टमेंट में जाना है जो अक्रॉस द ब्रिज है। मैं एक ब्रिज पर चल रहा हूँ, देखिए, सो दिस इज़ द ब्रिज कि आपको इस ब्रिज को क्रॉस करना है और आपको अपार्टमेंट मिल जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज आया वो उसके बाद वहीं पर ही आया कि वहाँ पर जाने के बाद देयर वाज नो होल्डिंग, वहाँ पे कुछ भी हमें नज़र नहीं आया, वहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। लैंग्वेज इशू के जहाँ पर आप ऐसे पूछना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि नॉर्वेजियन लैंग्वेज है, लेकिन हालांकि उन्हीं की हेल्प से हमें एक इंडियन रेस्टोरेंट मिला और भी बहुत सारे लोगों ने हमें हेल्प करने की कोशिश करी और उन्हीं की हेल्प की वजह से हम लोग पहुंच पाए अपने अपार्टमेंट में। तो अपार्टमेंट देखने में इनिशियली ख़राब लगने लगा हमें क्योंकि हम इतने स्ट्रगल के बाद आए थे। तो आपको ये वाली स्ट्रगल ना हो मैं आपको बहुत ईजी बताता हूँ कि बिजौरवी का अपार्टमेंट आना है तो ये देखिए सिटी सेंट्रल स्टेशन है, ट्रेन आ रही है यहाँ पर मेरे पीछे। तो आप भी अगर एयरपोर्ट से आएंगे, तो अगर आप एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो आप ओस्लो सिटी सेंटर पे पहुंचिए। कैसे पहुंचेंगे? आप ट्रेन ले लीजिए, बहुत इजीली आपको मिल जाएगी। और हम लोग जैसे ही ओस्लो सिटी सेंटर पे पहुंचते हैं, सपोजिए अगर आपका इंजन का हिस्सा आपको लेकर आया है ओस्लो सिटी सेंटर में, ठीक है, अगर आप आपका हेड सामने की तरफ है और आप इस तरफ आ रहे हैं तो आप अपने राइट की तरफ मूव करिए अगेंस्ट दिस सी शोर। और जैसे ही आप स्टेशन से बाहर निकलेंगे यू कैन सी दी बिजौरवी का अपार्टमेंट एरिया जो मैं आपको दिखाता हूँ कि वेयर इट इज़। दिस इज़ दी स्टेशन, हमारी जो ट्रेन थी यहीं पर ही आई थी, जैसे वो अब जो ट्रेन है वो उस डायरेक्शन में है कि उसमें अभी लोग बैठे हैं और अगर वो अपने सामने की तरफ ही बढ़ जाएगी तो आप जैसे उतरें तो अपने राइट हैंड साइड की तरफ आप मूव करेंगे आपको ये ब्रिज नज़र आएगा वाइट कलर का। ये देखिए दो ब्रिज हैं यहाँ पे, एक तो है ब्रिज पुल के पास, ये ऐसे मूव कर रहे हैं, नहीं हाँ ऐसे देखिए, ठीक है, ये एक पट्टी के ऊपर की तरफ से मूव कर रहा है तो इस वाले के लिए नहीं कर रहे जो हिल साइड पे दिखाई दे रहा है, नहीं, ये जो स्ट्रेट है एक स्ट्रेट ब्रिज आपको वाइट कलर का दिखाई देगा और इसके अक्रॉस आपको मूव करना है राइट हैंड साइड पे। आपको ये बिल्डिंग नज़र आएगी
और रेडिसन ब्लू, या इसको ऐसे समझ लीजिए कि आपको रेडिसन ब्लू की तरफ मूव करिए। जैसे आप स्टेशन पे उतरेंगे ओस्लो सिटी सेंटर के, तो आपको ये रेडिसन ब्लू होटल दिख जाएगा वहीं से, और आप इस की तरफ मूव करिए। तो आप मेरे पीछे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा बेजोविका अपार्टमेंट। ये है ब्रिज जहाँ से आप उतरेंगे इन स्टेयर्स के साथ। और अगर आपके पास सामान है, आप स्टेयर्स यूज़ नहीं करना, तो आपके पास ये भी एक वे है, तो इससे आप आराम से अपने सामान को लेकर यहाँ से आ सकते हैं। ये जो आपको दिखाई देगा पॉलिटी, ऐसे लिखा नज़र आएगा जैसे ही उतरेंगे, और आपके बैक साइड पे नज़र आएगा बेजोविका अपार्टमेंट। तो यहाँ पर आने के बाद आपको मिलेगी कीज़, यहाँ पे आपको चाबी दे देंगे, अलग तरह की चाबियाँ हैं। आपको बस करना क्या है कि आप अपने अपार्टमेंट पे पहुँचे, जैसे ही पहुँचेंगे आपको, अब वहाँ पे देखो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है बेजोविका, लेकिन वहाँ पर चैलेंज आता है कि वहाँ पर नाम नहीं लिखा हुआ, तो वहाँ पे आप ढूंढोगे कैसे, ये बड़ा चैलेंज है। तो मेरी आप ये जो वीडियो देखेंगे इससे आपको ये हेल्प मिलेगी कि आप लोकेट कर सकेंगे आपको जाना कहाँ है। तो अब हमने जो अपनी कीज़ ले ली है, उसके बाद हमने दोबारा से अपने इसी ब्रिज पे हमने चलना शुरू किया, और हम अक्रॉस द ब्रिज क्रॉस करेंगे टू फाइंड द अपार्टमेंट। सो अब हम ने क्रॉस कर लिया है इस ब्रिज को, अगेन हम ओस्लो सिटी सेंट्रल स्टेशन के पास पहुंच गए हैं, एंड वी विल गोइंग टू, सो दिस इज़ द ब्रिज, अगेन वी विल बी क्रॉसिंग दिस ब्रिज एंड वी कैन इजीली फाइंड आउट द बेजोविका अपार्टमेंट। अगर आप वैसे ही आए हैं जैसे आप ढूंढने की जिस तरह से हमने कोशिश करी, हमें 20 मिनट्स में हम लोग एयरपोर्ट से यहाँ पर पहुँच गए थे, बट इट वेस्टेड आवर 2.5 आवर्स, जहाँ पे हम सिर्फ ये ढूंढने में हमने वेस्ट कर दिया कि हमारा अपार्टमेंट कहाँ है। तो अगर यही अपार्टमेंट हमें टाइम से मिल जाता तो वो 2 घंटे, एक तो हमारी जो एनर्जी थी वो भी इंटैक्ट रहती। सो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, गंदा कुछ भी नहीं है, आपके पास एलिवेटर्स भी हैं, तो आप इसके थ्रू भी आ सकते हैं। और ओस्लो जो सिटी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ का बहुत ही अमेजिंग है, बहुत कमाल का है। हालांकि लोग इतने नहीं हैं, कल भी हम जब रोडों पे घूम रहे थे तो ये था कि कुछ बसों में सिर्फ एक दो बसें, एक दो लोग हैं, और कुछ ट्रेन्स भी देखी जो ट्रैम चल रही हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन फिर भी वो रात के 11 बजे तक या उसके बाद भी, क्योंकि मैं 11 बजे तक रोड पे था तो वो तब तक चल रही थी, और वो बिल्कुल बहुत शेड्यूल्ड है, लोग बहुत यूज्ड टू हैं इस तरह की ट्रांसपोर्ट यूज़ करने के लिए, फ्रीली अवेलेबल है, सब कुछ इलेक्ट्रिकल है। पोल्यूशन यहाँ का AQI 27 है, कैन यू बिलीव इट, 27 इज़ दी AQI है। सो मतलब जीने के लिए आपको यही चाहिए कि एक बहुत ही साफ़ हवा, साफ़ पानी। अभी जब हम पानी यहाँ पे पीते हैं तो टैप वाटर पीते हैं हम यहाँ पे, तो हमने कभी कहीं पे मिनरल वाटर हमें नज़र ही नहीं आया कि कहीं पे आप मिनरल वाटर आपको मिल जाए, टैप वाटर। सो अच्छा एक बात और भी है, जैसे हम लोग दिल्ली में या किसी भी और गर्म जगह पे जाते हैं, नहीं भी जाते हैं जैसे हम, तो भी हम पानी पीते हैं, देखो तो पानी प्यास लगती है, बट यहाँ पर नहीं लगती। मैं नहीं समझ सकता इसका रीज़न, क्योंकि मैं तो पानी बहुत ज़्यादा पीता हूँ, मुझे तो बहुत पानी की रिक्वायरमेंट रहती है बार बार। लेकिन कल क्या हुआ कि कल हम लोग अपने ओस्लो फ़ज़ॉर्ड के क्रूज़ ट्रिप के लिए गए थे सुबह, हमने पानी की एक छोटी बोतल अपने साथ रखी हुई थी, और हम चले गए आराम से, हमने ओस्लो फ़ज़ॉर्ड वो किया, सब कुछ किया, हम 4-5 बजे वापस आए थे, जब रियलाइज़ किया हमने यार हमने तो पानी नहीं पिया, पूरी बोतल ऐसी की ऐसी हम दो जनों के बीच में ऐसे के ऐसे ही आ गई, और रियली में बिल्कुल भी प्यास नहीं लगी। सो अब मैं दिखाता हूँ आपको कि अब करना क्या है। इस ब्रिज को क्रॉस किया है, बेजोविका अपार्टमेंट की हमने कीज़ ली हैं, और ये आपको बिल्डिंग नज़र आएंगी,
इससे होते हुए जो बात है आप कल हम देख लेंगे साइकिलिंग करते हुए लोग यहाँ पे आपको हमेशा दिख जाएंगे। ये इस वे से आप साइकिलिंग कर सकते हैं और भी यहाँ पे बैटरी से चलने वाली और बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए साइकिल्स रखी हुई हैं इस तरह से, ये बैटरी ऑपरेटेड है। यहाँ से जैसे ही आपने अब क्रॉस किया आपके सामने आ जाएगा मेन रोड, ये रेड लाइट है। तो पेडेस्ट्रियंस की बड़ा सम्मान किया जाता है, लोग रियली में फॉलो करते हैं ट्रैफिक रूल्स को। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले सालों में भारत में भी ये परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा और हम भी अपने देश को इतना ही सुंदर और इतना ही अनुशासित बना पाएंगे, इतना ही डिसिप्लिन बना पाएंगे। डिसिप्लिन इन नॉट इन सेंस, सिविक सेंस, हमें खुद के अंदर जगानी पड़ेगी कि हमें अपने देश को खुद ही साफ रखना है। सो अब हम देखिए उतर गए हैं इस ब्रिज के साथ। अब आपके पास दो रास्ते हैं, आपको कहीं समझ नहीं आएगा कि आपको जाना कहाँ पर है। बट यू हैव टू डू इज नीड टू टेक अ लेफ्ट फ्रॉम हियर। आप इसको ये भी देख सकते हैं कि PWC की बिल्डिंग इधर जाना है, हमें इस तरफ जाना है। वी हैव टू मूव दिस साइड। सो हम लोगों ने इस ब्रिज को क्रॉस किया है, हम लोग यहाँ से आए हैं और हम मूव करेंगे इस डायरेक्शन के अंदर। ये कुछ लिखा है डॉनिंग यूफीमियस गेट नंबर 16। ईजी लर्निंग के लिए आप दिमाग में बार कोड भी ले सकते हैं। हमें जैसे बारकोड की तरफ आ गए उसके फिर बोले चलना शुरू किया। अब हम जा रहे हैं अपने बिजावे का अपार्टमेंट में ना। अब ये जो कुछ रेस्टोरेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे, प्राइस वाटर हाउस ऊपर PWC की भी बिल्डिंग यहीं पे है। और ये एक है कोड रेस्टोरेंट, इसको हमने क्रॉस किया है। ये आ गया डिनर, ये भी एक रेस्टोरेंट है, तो हमने डिनर को भी क्रॉस कर लिया है। पर आई थिंक ये एक बार है, बार का रेस्टोरेंट है। साइकिलिंग का काफ़ी क्रेज है यहाँ पे, साइकिलिंग का। और आप जैसे रनिंग करते हुए लोग आपको हर समय मिलेंगे, कोई ऐसा टाइम नहीं है कि सुबह शाम, आप सुबह दोपहर शाम आपको लोग जॉगिंग करते हुए रनिंग करते हुए मिल जाएंगे। सिमिलरली इज दी साइकिलिंग थिंग, तो बहुत सारे लोग हम ये भी देख रहे हैं कि साइकिलिंग अपने ऑफिस जाते जाने के लिए भी उसका साइकिलिंग में यूज़ करते हैं। नाउ वी आर क्रॉस दी, अब हम अपने बिल्कुल पास में पहुंच गए हैं। तो ये हमारा जो हेयर कटिंग है, मैंने आपको दिखाया था, हम तो अफोर्ड कर नहीं सकते इतना महंगा हेयर कट, इसके लिए तो हम बाल बड़े कर लेंगे और इंडिया जाके कटिंग कराएंगे। अब जितना प्राइसिंग ये लिखे गए हैं ना यहाँ पे, इसको आप ऑलमोस्ट लाइक 9 से मल्टीप्लाई करिए तो आप समझ जाएंगे यहाँ पे ये हेयर कटिंग कितना एक्सपेंसिव है। सो अब देखिए ये स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर अपने जानकारी के लिए अगर दिमाग में ये देखिए लोग साइकिलिंग करते हुए आपको नज़र आएंगे, सो दिस एरिया इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर वे फॉर बिजॉर्विका अपार्टमेंट। सो आपको यहाँ पर जब यहाँ तक आप पहुँच गए, आप दोबारा एक स्क्वायर के जो हम जिस लेन में हम चल रहे थे उसके लास्ट पॉइंट पे पहुँच गए हैं। सो दिस इज़ दी रेड लाइट, आपको ये जो बार एंड रेस्टोरेंट दिखाई देगा पोकेमॉन पोकेलैंड,
पोकेलेन पे आप पहुंचते हैं और आपको ये ओपन एरिया दिखाई देगा, हंटर फील लव, बस यहीं पर है आपका बजोर्विका अपार्टमेंट, हंटर फॉर लव। हमें मिला है नंबर 24, जैसे 24 बजोर्विका अपार्टमेंट, आई थिंक सब यही होता होगा, हो सकता है यहाँ पे बजोर्विका अपार्टमेंट अलग अलग हो, तो जो मैं बता रहा हूँ वो 24 नंबर के लिए है। अब जब यहाँ पहुँचते हैं, अब अगर हम लोग जैसे अब जानकारी नहीं थी, वो लोकेशन यहीं पे घुमाती रहती है, लेकिन कहीं पे आपको बोर्ड वगैरह बिल बोर्ड ऐसे बताने के लिए कुछ नहीं है। इनफैक्ट हम लोग यहाँ पे इसके सामने बहुत देर तक थे। अब आप कैसे पता लगाएंगे कि यहाँ पे आपका अपार्टमेंट हो सकता है? कैन यू लोकेट कि कहाँ पर है, हमें कहाँ जाना है? कोई ऐसा रिसेप्शन नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, तो कैसे जाएंगे आप? तो हमने बस ये किया कि अच्छा 24 नंबर लिखा है, तो 24 पे हम पहुंच गए। अब 24 पे आने के बाद आपको करना है आपके लिए कीज़, यहाँ सब कुछ कीज़ के साथ है, और कीज़ मैं दिखाता हूँ आपको कैसी हैं। तो इनकी जो कीज़ हैं वो इस तरह की है, ये हमारा रूम है, बजोर्विका अपार्टमेंट 115, ठीक है। तो अब हम पहुंचते हैं यहाँ पे। अब करना है कि अब अपने कीज़ को जैसे हम इस पर करेंगे, ये देखिए दरवाज़ा खुल गया, जैसे खुल जा सिम सिम होता है ना, इसको बंद करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जैसे एंटर किया, देखिए लाइट अपने चल रही है, अंधेरा आता है अपने आप लाइट जल रही है, दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाएगा। यहाँ पर आएंगे आप, तो आपने दोबारा प्रेस किया, आपके लिए लिफ्ट खुली, आपको दोबारा से की प्रेस करना है। हमने जैसे हमारा नंबर है 6, अंधेरा है बाहर, लेकिन हम जैसे ही हमने स्टेप बाहर किया लाइट आ गई। सेंसर्स बहुत ही कमाल के हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंसर्स हैं। ये हम पहुंच गए अपने रूम में, यहाँ पे हमने की प्रेस की, फ्रेंड्स ये हमें किचन मिली है, और इस किचन के अंदर आपके पास आपके यूज़ के सब चीज़ें अवेलेबल हैं। आपके पास गैस है, ओवन है, आप इसमें चाय बना सकते हैं। मैं भी कुछ वो लाया था, सॉल्टेड एक था, ये है हमारे पास टीवी। अगर आपको प्रेस करना है तो आप प्रेस कर सकते हैं, वैसे कैंची से लेकर आपके पास ये चेयर, सारे कबर्ड में सामान, और वॉशरूम में आपको वॉशिंग मशीन भी मिलेगी, जिसमें आप अपने कपड़े आराम से धो सकते हैं। तो बजोर्विका अपार्टमेंट के जस्ट नीचे ही एक पूरा मॉल है, जिसमें आप ग्रोसरी आइटम खरीद सकते हैं, तो कहीं आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस अपार्टमेंट से जैसे ही आप नीचे आएंगे, तो आपके लिए पूरा एक ग्रोसरी मॉल है, जहाँ पर आप सारा ज़रूरत का सामान भी खरीद सकते हैं। बजोर्विका अपार्टमेंट की जो कॉस्टिंग आती है वो अराउंड आती है 20,000 रुपीज़ पर नाइट, बट वो डिपेंड करता है कि आप किस सीज़न में आप उसे ट्राई कर रहे हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप यूरोप ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि अपार्टमेंट्स को चुनिए,
होटल्स वहाँ बहुत महंगे पड़ते हैं।